हाय एवरीवन, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने AIAPGT 2023 का एग्जाम दिया है और अच्छे अच्छे रैंक्स आप लोगों के आए हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूज बच्चे हो जा रहे हैं कि कौन सा कॉलेज प्रीफर करना चाहिए, कैसे हमें कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए, किस कॉलेज में स्टाइफंड क्या है, हॉस्टल फैसिलिटीज क्या है। तो मैंने कुछ डाटा कलेक्ट करने का प्रयास किया है जो नेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनके, उसके अलावा फिर मैंने कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के भी नाम सेलेक्ट किए हैं जिनके बारे में मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन अभी दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इन्फॉर्मेशन अगर आप लोग को पसंद आएगी, आप लोगों को लगेगा कि ये कुछ यूजफुल है आप लोगों के लिए, तो अपने फ्रेंड सर्कल्स में और अपने जूनियर्स को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी इस वीडियो को पहुँचा दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका देश में काफ़ी नाम है, विदेश में भी काफ़ी नाम है, तो उनमें से एक ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है। पहली बात, टॉप 10 में ऐसा मैंने कुछ बनाया नहीं है, बस सबसे पहले मेरे पेज पर लिखा हुआ BHU के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग को देता हूँ। मैं BHU के बारे में, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री या फिर वर्ल्ड बोला जाए तो पूरा इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। तो इसमें फीस अप्रॉक्स 40,000 पर ईयर के आसपास यहाँ पे फीस लगती है। उसके अलावा जब आप इस कॉलेज को ज्वाइन करने के लिए जाएंगे तो लगभग 5 लाख रुपए का एक बॉन्ड भी आप लोग को साइन करना पड़ता है कि PG ड्यूरेशन को आप बीच में नहीं छोड़ेंगे अपनी स्टडी को। उस यहाँ पे स्टाइफन बहुत अच्छी है जिसके कारण लोग इसको काफ़ी प्रीफर भी करते हैं। अराउंड 1 लाख रुपीज़ यहाँ पे स्टाइफन मिलती है पर मंथ। यहाँ पे सीट्स टोटल 54 हैं और हाँ, यहाँ पे इंटरनल कोटा भी लगता है, मतलब कि 54 में से 27 सीट्स इंटरनल कोटे की और 27 सीट्स ऑल इंडिया कोटे की लगती है यहाँ पे। स्ट्रीम वाइज अगर देखने का प्रयास करें तो यहाँ पे शल्य गायनी दोनों काफ़ी अच्छे हैं, दोनों में बहुत सारी मॉडर्न प्रैक्टिसेस भी आप लोग को सीखने को मिलेंगी। कैच किट्स है, एक एवरग्रीन डिपार्टमेंट या सब्जेक्ट है, तो उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, पेशेंट फुटफॉल उसमें बहुत अच्छा रहता ही है, वैसे भी BHU में पेशेंट फुटफॉल काफ़ी अच्छा है ही। उसके अलावा यहाँ पे PDF भी बहुत अच्छा है, जहाँ पे बाल पंचक्रम जैसे बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं। उसके अलावा एज पर माई नॉलेज यहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज भी चलते हैं स्पेसिफिकली PDF सब्जेक्ट में, तो वो भी अगर आप लोग चाहें कोई तो उसमें भी एडमिशन लेकर अपना स्टडी को थोड़ा एक बूस्टअप दे सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। BHU में हॉस्टल फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं, तो उसके लिए भी डरने की आवश्यकता नहीं, अगर आप लोग कहीं बाहर से जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है उसके लिए, BHU कैंपस अपने आप में बहुत बड़ा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ITRA जामनगर की। ITRA जामनगर के बारे में, इसके बॉन्ड के बारे में मुझे कोई खास जानकारी तो नहीं मिल पाई। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पैक्ट के रूप में इसको जाना जाता है, INI में ये शामिल है कहना चाहिए। फीस इसकी फर्स्ट ईयर में 33,000, सेकेंड ईयर में थोड़ी सी कम 29, फिर थर्ड ईयर में 29, इतने के आसपास फीस आपको लगेगी यहाँ पे। स्टाइफंड जो मिलता है तो 55K फर्स्ट ईयर में, मतलब 55,000 रुपये फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 57,000 और फाइनल ईयर में 63,000 फीस आपको स्टाइफन आपको मिलेगा। सीट यहाँ पे 55 सीट्स हैं, हॉस्टल अवेलेबल है यहाँ पे, इंटरनेशनल हॉस्टल भी अवेलेबल है, जो बाहर कंट्री से बाहर के बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे इंटरनेशनल हॉस्टल भी अवेलेबल है और हॉस्टल की फीस बहुत ही नॉमिनल है, 1500 रुपये पर मंथ। अगर आप पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इंटरेस्टेड रहते हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। जैसे आप जानते हैं कि गुजरात अपने आप में अपने कल्चर के लिए बहुत अच्छे से जाना जाता है, तो यहाँ पे भी जामनगर जो है गुजरात के अंतर्गत है, तो यहाँ पे भी काफ़ी जो फेस्टिवल्स हैं सब जोर शोर से मनाए जाते हैं। डिफरेंट टॉपिक्स में डिफरेंट सब्जेक्ट्स के स्पेशलिस्ट जो हैं उनके वेबिनार सेमिनार्स यहाँ पे होते ही रहते हैं। इस इंस्टीट्यूट का खुद का एक AYU करके जर्नल है जो UGC अप्रूव्ड है, जो बहुत अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए। यहाँ पे विशेष रूप से अगर देखा जाए तो गायनी और शल्य बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट अच्छे नहीं हैं। प्रेफरेंस अगर आप देना चाहें तो इसके बारे में ज़रूर आप सोच सकते हैं, गायनी और शल्य के सब्जेक्ट में। और प्लस पॉइंट यहाँ पे ये मिलता है कि जामनगर में जितने भी नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं सबकी डेली OPDs होती हैं, तो ये भी जो इन सब्जेक्ट्स में अगर किसी को मिलता है नॉन क्लिनिकल की ओर कोई देखना चाह रहे, सेंट्रल इंस्टीट्यूट भी चाह रहे और चाहते हैं कि पेशेंट इंटरेक्शन बना रहे जो कि नॉन क्लिनिकल्स में कई बार नहीं हो पाता है, तो यहाँ के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। इस कॉलेज के पास में ही क्या मेडिकल कॉलेज भी है ना, तो यहाँ पे कोलैबोरेशन करने का भी एक कॉम्पिटेटिव स्टडी भी वहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। वहाँ पे इस प्रकार की स्टडी का फ्रीडम है आपको कि एलोपैथी और आयुर्वेदिक का आप एक थोड़ा सा कोलैबोरेशन करके कोई स्टडी अगर आप करना चाह रहे हैं अपने PG के सब्जेक्ट में, तो वो बिल्कुल आपको करने के लिए वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ और जो भी टीचर्स हैं वो सब बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगे, तो बहुत अच्छी चीज़ है। पंचकर्म में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं। अय्या के बारे में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो दिल्ली में स्थित है, यहाँ पे फिलहाल केवल PG और PhD के क्लासेस अभी कंडक्ट होते हैं, ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा।
यहाँ पे जब आप एडमिशन लेंगे तो एक बॉन्ड पेपर भी आप लोग को साइन करना पड़ेगा, वो बॉन्ड 10 लाख रुपए का है, प्लस जो भी आपने स्टाइफन ली है वो भी आपको वापस वहाँ पे करनी पड़ सकती है। मीन्स अगर इन 3 साल की स्टडी के दौरान बीच में अगर आप छोड़ते हैं तो 10 लाख की एक पेनल्टी लगेगी, प्लस जितने महीने की स्टाइफन से आपको मिले वो स्टाइफन भी आपको देना पड़ सकता है। फीस यहाँ पे नॉर्मल ही है, बहुत ही ज़्यादा कम है कहना चाहिए मैं अगर बोलूँ तो, कि फर्स्ट ईयर में अराउंड 50,000 फीस है, सेकेंड ईयर में 30,000 और थर्ड ईयर में भी 30,000, क्योंकि ये जो अय्या है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पे आता है, तो DU की जो फीस लगती है 15,000 से 20,000 रुपये वो एक कंपलसरी लगती है हर साल असल में, इस वजह से थोड़ी सी फीस ज़्यादा आपको लग रही है, अदरवाइज फीस बहुत ही ज़्यादा नॉमिनली है। स्टाइफन की अगर बात करें तो फर्स्ट ईयर में 66,000 के अराउंड है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा इसमें हो सकता है, सेकेंड ईयर में 73,000 रुपीज़ और थर्ड ईयर में भी अराउंड 73,000 to 80,000 के आसपास यहाँ पे स्टाइफन मिलता है। टोटल यहाँ पे 78 सीट्स हैं, जिसमें 50% सेंट्रल में सीट्स हैं, उसके अलावा 50% स्टेट मतलब कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत में सीट्स आती हैं। हॉस्टल यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं हो पाया है, इन फ्यूचर बन तो रहा है, शायद अवेलेबल हो जाए शायद इस साल, देखते हैं क्या होता है। अभी यहाँ के अगर कुछ स्पेसिफिकेशंस की अगर मैं बात करूँ तो एकेडमिक्स के हिसाब से देखा जाए तो एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देश का एक प्रतिष्ठित संस्थान है, देश विदेश से यहाँ पे डेलीगेट्स कुछ ना कुछ आते ही रहते हैं, तो पॉलिटिशियंस का भी एक बराबर मतलब एक इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे बना रहता है, तो उसकी वजह से ज़्यादा आपको एक्सपोजर देखने को मिलेगा। पेशेंट्स एक क्वालिटी स्टैंडर्ड एजुकेशन और स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स भी आपको यहाँ पे देखने और सीखने को बहुत अच्छे से मिलेंगे, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको डिफरेंट, क्योंकि कुछ भी बड़ा फंक्शन होना है तो अय्या में होना है, तो बहुत ही रीजनल के जो हमारे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं जो टीचर्स हैं वो भी यहाँ पे आने आएंगे, तो उनसे भी आपको एक असिस्टेंस उनसे सीखने का भी मौका आपको यहाँ पे मिलेगा, और सेमिनार्स इतने ज़्यादा होते हैं, इतने ज़्यादा आपको वर्कलोड इस मामले में होगा कि आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा बोलने का। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो बोलने में झिझकते हैं डरते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा चांस रहेगा कि आपका वो जो एक शाई नेचर है वो खुल सकता है, बोल्ड पर्सनालिटी बन सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है कि एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हर कल्चर के लोग यहाँ पे आते हैं, तो हर स्टेट्स में क्या कुछ खास बातें हैं उनके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स में, तो ये सब चीज़ों को भी सीखने के लिए मतलब नॉलेज शेयरिंग का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे आपको मिल जाता है। अगर आप कुछ सीखना चाह रहे हैं वाकई में तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एक जगह पे पढ़ते हुए डिफरेंट एरियाज के टेक्निक्स भी आप यहाँ पे सीख पाएंगे अच्छे से। फैसिलिटीज की अगर बात करें कॉलेज की तो वैसे कुछ बोलने लायक तो है नहीं, फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत ज़्यादा हाई लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे, लेबोरेटरीज बहुत अच्छे अच्छे हैं, ईच एंड एवरी मशीन्स जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना वो सभी यहाँ पे मिलेंगे आपको। कल्चरल एक्टिविटीज़ भी डिफरेंट होते ही रहती हैं, अभी आप लोगों ने कुछ दिनों पहले अगर देखा होगा तो देखा ही होगा कि WHO के डेलीगेट्स आए थे वहाँ, इतना अच्छा प्रोग्राम वहाँ पे कंडक्ट किया गया था। हॉस्पिटल में पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा है, सब्जेक्ट तो सभी यहाँ पे अच्छे ही हैं, विशेष रूप से काय चिकित्सा शल्य पीडिया गायनी ये सब देखा जाए तो है ही, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अगर यहाँ पे कुछ 2-3 बातें अगर मैं बोलूँ तो, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट है ना तो थोड़ा सा एक स्टूडेंट्स के बीच में प्रेशर ज़्यादा आपको मिलेगा, काम मतलब वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर आप सोच रहे कि PG में आकर मुझे आराम ही करना है अब तो कुछ और नहीं करना पड़ेगा मुझे, तो उसके लिए थोड़ा सा एक रिस्की मतलब आपको वहाँ ना लें तो बेहतर होगा, क्योंकि बहुत प्रेशर बहुत ज़्यादा है वहाँ पे पढ़ाई का भी प्लस काम का भी, 24-24 घंटे भी आप लोगों की ड्यूटीज़ वहाँ पे लगेंगी काम करने के लिए। तो अगर आप एंथुजियास्ट हैं, आयुर्वेद को अच्छे से समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, मेहनती हैं, तो बहुत अच्छी जगह है फिर आप लोगों के लिए। नेक्स्ट NIA राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान NIA जयपुर। फीस यहाँ पे देखें तो फर्स्ट ईयर में 80,000 रुपये है, फिर सेकेंड ईयर में 55,000 और थर्ड ईयर में 55,000 के आसपास फीस है। यहाँ पे 20,000 रुपीज़ सिक्योरिटी मनी भी शुरू में आपको जमा होगा, उसके अलावा कुछ बॉन्ड भी है जिसके बारे में मुझे एग्जैक्ट यहाँ पे पता नहीं चल पाया अभी। स्टाइफन की अगर बात करेंगे तो फर्स्ट ईयर में 57,000 के सराउंड मिलेगा, सेकेंड ईयर में 64,000, फाइनल ईयर में 68,000 मिलती है। टोटल यहाँ पे सीट्स 130 सीट्स हैं, जहाँ पे इंटरनल कोटा भी मिल लगता है अभी। हॉस्टल फैसिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल दोनों ही हैं, परंतु क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि एग्जाम देने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, खासकर जो भी बच्चे भी एग्जाम दिए उसमें 50% से ज़्यादा तो गर्ल्स हैं, है ना, गर्ल्स को डायरेक्टली हॉस्टल नहीं मिल पाता है, खासकर फर्स्ट ईयर में तो बहुत कठिन है हॉस्टल मिल पाना, सेकेंड ईयर से यूजुअली मिल ही जाता है, और बॉयज़ के लिए हॉस्टल तो अवेलेबल है ही। 10,000 रुपये के आसपास है। अगर यहाँ के कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ की अगर अपन बात करें, क्या यहाँ पे खास बातें हैं, यहाँ पे बहुत सारी टेक्निक्स सीखने के लिए सिमुलेशन लैब आप लोगों के लिए बनाया गया है, तो जो बहुत अच्छी चीज़ है, देश का इकलौता ऐसा कॉलेज है जहाँ पे सिमुलेशन लैब है। नेक्स्ट देखें अगर अपन तो DG डिपार्टमेंट भी यहाँ का बहुत अच्छा है, और अभी अगर आप लोग
नॉलेज होगा। तो यहाँ पे कॉस्मेटोलॉजी में एक एमएससी का कोर्स भी स्टार्ट किया गया, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है अपने आप में। उसके अलावा यहाँ पे ओपीडी काउंट काफ़ी अच्छा है, गायनिक डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ पे डेली डिलीवरीज आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो ऐसे खासकर जो आजकल पीसीओडी या इनफर्टिलिटी के केसेस ऐसे बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे गर्भिणी परिचर्या, रजस्वला परिचर्या, ये सब पूरा प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए वहाँ पे एसओपीज बनाई गई हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है वहाँ पे देखने के लिए। अब क्योंकि गायनी डिपार्टमेंट में फुटफॉल अच्छा है, मतलब डिलीवरीज हो रही हैं, पेशेंट्स आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि पीडिया डिपार्टमेंट भी जाहिर सी बात है कि अच्छा होगा, क्योंकि गायनी और पीडिया दोनों थोड़े से अटैच ही होते हैं डिपार्टमेंट। तो पीडियाट्रिक में अगर कोई पीजी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे पीजी करना एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। उसके अलावा सर्जरी भी यहाँ पे बहुत अच्छा है, आप लोगों ने सुना ही होगा, अभी अभी न्यूज में आया था कि यहाँ पे देश की पहली लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एक आयुर्वेदिक कॉलेज में जो की गई है, यहीं पे की गई है, बहुत अच्छी बात है जो की। उसके अलावा बात करें अगर आप नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट की ओर देखना चाहें तो संहिता सिद्धांत यहाँ का वन ऑफ द बेस्ट है, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। तो संहिता सिद्धांत में अगर आप पीजी करने का सोच रहे हैं तो मेरी चॉइस सलाह होगी कि एनआईए को आप प्रिफर करें, अगर आपके चॉइस फिलिंग में वो आती है तो। उसके अलावा यहाँ पे डिटॉक्सिकेशन सेंटर्स, नशा मुक्ति केंद्र, ये सब चीज़ें तो जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज हैं वो सब तो होती ही हैं। और यहाँ पे वही बात, वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेगा, काम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, डेडिकेशन से काम करना पड़ेगा। हर वीक, हर महीने नए नए टॉपिक्स पे, नए नए सब्जेक्ट्स पे वर्कशॉप्स होते रहेंगे, नए नए टीचर्स से आप लोगों की मुलाकात होती रहेगी, तो काफ़ी कुछ यहाँ पे भी सीखने को आपको मिलेगा। ये तो थे खास इंपॉर्टेंट नेशनल इंस्टीट्यूट्स जिनका देश में और विदेश में भी काफ़ी नाम है। अगर ऐसे इंस्टीट्यूट्स में आपको जाने को मौका मिलता है तो मैंने क्लैरिफाई कर दिया, शायद कुछ बातें आप लोग को क्लियर हो पाई होंगी। और जो भी आप बातें और आप जानना चाहें तो बिल्कुल कमेंट करके मुझे बतला दीजिएगा। नेक्स्ट कुछ और जो कॉलेजेस हैं जो काफ़ी अच्छे हैं उनके बारे में अगर हम बात करें, तो एक तीबिया कॉलेज जो कि दिल्ली में आता है, करोल बाग में स्थित है ये दिल्ली के, तो उसका भी बहुत एक अच्छा नाम है। यहाँ भी 10 लाख का बॉन्ड है तीबिया कॉलेज में, फीस यहाँ पे बहुत कम है, 15 से 20 हज़ार के बीच वैरी करता है फीस यहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में। स्टाइफन की बात करें तो स्टाइफन बहुत ज़्यादा है, 1,20,000। सब्जेक्ट्स यहाँ पे कम है पीजी करने के लिए, स्पेसिफिकली अगर बात करें तो काय चिकित्सा, क्रिया शारीर और द्रव्य गुण, ये ही सीटें यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके अलावा मैंने भी ऐसा सुना तो है कि पंचकर्म की कुछ सीटें कुछ आने वाली हैं, इस साल आती हैं कि नहीं वो मुझे नहीं पता। तो अगर काय चिकित्सा में आप लोगों को इंटरेस्ट है, अगर दिल्ली जैसे एरिया में आप लोग लेना चाह रहे हैं एडमिशन और आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तीबिया कॉलेज सेलेक्ट करने का, तो बिल्कुल मैं सलाह दूंगा, बिल्कुल यहाँ पे आप जाइए। इन्वायरमेंट बहुत ही फ्रेंडली है, पेशेंट फुटफॉल बहुत अच्छा है, फीस बहुत कम है और स्टाइफन बहुत अच्छा है, तो आपके लाइवलीहुड के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा ये, काफ़ी कुछ आपको सीखने को तो मिलेगा ही मिलेगा वहाँ पे। हॉस्टल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। दिल्ली में ही एक चौधरी ब्रह्म प्रकाश कॉलेज भी है जो नजफगढ़ में है, ये फीस यहाँ पे अराउंड 1 लाख है और स्टाइफन 70,000 के आसपास यहाँ पे होती है, ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिल पाई है। ये तो थे कुछ खास कॉलेजेस। उसके अलावा हमारा छत्तीसगढ़ है, उसके बारे में अगर मैं बात नहीं करूँगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। छत्तीसगढ़ में हमारा जो श्री नारायण प्रसाद अवस्थी आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर है, वो भी बहुत अच्छा संस्थानों में गिना जाता है। स्टाइफन काफ़ी अच्छी है, फीस कम है और टीचर्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो अगर आप लोग आसपास के सराउंडिंग्स में हैं, ऑल इंडिया कोटा से अगर सोच रहे हैं कि रायपुर कॉलेज लें, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। फीस यहाँ पे 55,000, सॉरी हाँ, फर्स्ट ईयर में शायद 55,000 ही लगता है, उसके बाद फिर फीस 30,000 फीस है। और अगर स्टाइफन की अगर हम बात करें तो 55,000 रुपये से लेकर 60-65,000 रुपये तक यहाँ पे स्टाइफन अभी जा रही है। अगर हॉस्टल की बात करें तो पीजी में अभी हॉस्टल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो उन लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको पीजी बाहर लेनी पड़ेगी, हॉस्टल्स अवेलेबल नहीं है अभी आप लोगों के लिए। यूजी वाले बच्चों के लिए हॉस्टल्स तो हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बिल्डिंग अभी अभी नई बनी भी है, पुरानी बिल्डिंग भी बाजू में ही है, नई बिल्डिंग भी बन गई है, तो जो जो स्पेसिफिक पीजी ब्लॉक ही है तो बहुत अच्छी बात है। पेशेंट फुटफॉल काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, सर्जरीज भी होती हैं, डिलीवरीज भी होती हैं और पंचकर्म में बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। हमारे काय चिकित्सा डिपार्टमेंट में तो वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स हैं ही, उसमें कोई डाउट नहीं है, तो उसको चाहे तो आप वहाँ भी बिल्कुल देख सकते हैं। उसके अलावा मैं अभी कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में आप लोग को बतलाने वाला हूँ, कुछ हालांकि बतला दूँ कि किसी ने मुझे पूछा है तभी मैं आप लोग को बतला रहा हूँ। 2-3 प्राइवेट कॉलेजेस में आप लोगों के लिए छांट कर लाए हूँ, अगर आप क्लिनिकल सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बना रहे हैं, लेना ही चाह रहे हैं, इस साल ड्रॉप नहीं लेना है, तो इन कॉलेजेस को आप प्रीफर कर सकते हैं। अपने स्वविवेक से पर जरूर एक बार आप और रिसर्च कर लीजिएगा, मुझे जो जानकारी मिली है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। प्राइवेट कॉलेज में एक है उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में साई आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे अगर आप सर्जरी या गायनी में
एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो बिल्कुल इसको एक बार सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन है आपको। रिलैक्सेशन है मीन्स पेशेंट फुटफॉल बहुत, मतलब पेशेंट फुटफॉल यहाँ पे तो ठीक है, उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा बर्डन यहाँ पे नहीं है, प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं है। शुरू में सिनॉप्सिस जमा करेंगे वहाँ तक तो ठीक है, उसके बाद आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मीन्स आप चाहें तो आसपास के जो भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ भी आप ज्वाइन करके काफ़ी अपना नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं इस मामले में। अच्छा है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। फीस यहाँ पे अगर देखें तो ये दोनों, क्योंकि क्लिनिकल सब्जेक्ट हैं और बहुत डिमांडिंग सब्जेक्ट हैं, तो फीस थोड़ी सी हाई है। 6 लाख रुपीज़ के आसपास यहाँ पे फीस आपको पड़ेगी। स्टाइफन तो नहीं मिलेगा, जैसे कि आप सभी जानते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में स्टाइफन नहीं मिलता है। टोटल सीट्स की बात करें तो गायनी और सर्जरी में 6-6 सीट्स ही हैं। ऑल इंडिया कोटे से अगर आप लेने के सोच रहे हो तो वहाँ से भी आप इसको फिलअप कर सकते हैं। हॉस्टल यहाँ पे अवेलेबल है, आप चाहें तो हॉस्टल में रह सकते हैं। हॉस्पिटल में पेशेंट्स तो हैं, क्योंकि जो ये हॉस्पिटल है NABH एक्रेडिटेड है, मतलब काफ़ी अच्छा हॉस्टल ही होगा। और यहाँ पे UG PG दोनों के ही क्लासेस चलती हैं, तो अगर कोई UG का बच्चा देख रहा है, कोई UG में एडमिशन लेना चाह रहा हो 12th के बाद, तो वो भी इसको एक बार सोच सकते हैं। नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ तो UP में एक है यज्ञदत्त कॉलेज, जो कि बुलंदशहर में है। प्राइवेट कॉलेजेस के मामले में देखा जाए तो वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट कॉलेज ऑफ UP है ये, उत्तर प्रदेश में काफ़ी अच्छा है। इसका हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा है, पेशेंट फुटफॉल यहाँ पे बहुत अच्छा है, रेगुलर क्लासेस यहाँ पे होंगी, NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है। फीस यहाँ पे अराउंड 3 लाख रुपए है, स्टाइफन नहीं मिलता है, सीट 6 सीट्स ही हैं, हॉस्पिटल यहाँ पे अवेलेबल है। उसके अलावा एक मेजर HD कॉलेज भी है उत्तर प्रदेश में, उसको भी आप देख सकते हैं। ये कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश के। उसके अलावा HDM उड़पी प्राइवेट कॉलेज में यही मुझे कुछ पता चल पाए। मैं और कोशिश कर रहा हूँ कि और कुछ डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के प्राइवेट कॉलेजेस मुझे पता चल पाएँ, तो आप लोगों के लिए मैं उनके ऊपर भी वीडियो जल्दी ही लाऊंगा। अगर कोई इन स्टेट्स या इनको जानने वाला कोई बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है तो वो मुझे हेल्प कर सकता है और नई वीडियोज़ बनाने में इन कॉलेजेस के रिगार्डिंग, तो बिल्कुल आप मुझे DM कर सकते हैं या फिर कमेंट करके बता सकते हैं डिटेल्स, तो मैं उनके ऊपर प्रॉपर वीडियोज़ भी बनाने की कोशिश करूँगा। तो ये थी कॉलेजेस को लेकर आप लोगों की हेल्प करने के लिए मैं वीडियो बनाने का प्लान कर रहा था, तो ये वीडियो आप लोग के सामने आज हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। जिन लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ऐसी नई नई वीडियोस आप लोग के लिए मैं लाता हूँ। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।